वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल फार्मा ट्रिपल एक्स। आई एम योर फ्रेंड आदित्य जाटो। एज यू नो आई रिव्यू ऑल काइंड ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूंगा अनवांटेड 21 डेज टैबलेट के बारे में, जो मैनकाइंड द्वारा निर्मित एक ओरल कंट्रासेप्टिव एक बेहतरीन दवाई है। तो चलिए इसका रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, इस दवाई का सेवन आप डॉक्टर की देख रेख में करेंगे तो ज़्यादा लाभदायक होगा। जैसे कि इस टैबलेट की पैकिंग को देख पा रहे हैं, ये बाहर से दिख रही है कुछ ऐसी होती है, आप दुकान पर जाएंगे तो इसे इस प्रकार ही पा सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी MRP बता दूँ, तो इसकी MRP 60 रुपये है। 60 रुपये की किस टैबलेट होती है जो एक मंथ चलती है पूरा। सबसे पहले मैं बात करूँगा इस मेडिसिन के कंपोजिशन की। जैसा कि आप लोग कंपोजिशन देख पा रहे हैं, इसमें दो दवाइयाँ पड़ी हैं। एक पहली दवाई का नाम है लियोनार्गेस्ट्रॉल जो 0.15 mg है, और दूसरी एथाइनीस्टेडियल जो 0.3 mg है। इसमें दो दवाइयाँ पड़ी हैं। अब बात करता हूँ इसका सेवन की। इसका सेवन कैसे करना है? पीरियड ख़त्म होने के पहले दिन से इसे शुरू करना है। पीरियड ख़त्म होने के पहले दिन से शुरू करना है। 21 डे तक इसे लेना है। इस पैक के अंदर 21 टैबलेट है। पीरियड ख़त्म होने के पहले दिन से शुरू करना है और 21 दिन तक लेना है। फिर 7 दिन ऐसे ही बिना टैबलेट के ही निकालना है। 21 दिन बाद आपका पीरियड आ जाता है, उसके नया पैक उसके बाद शुरू करना है। जैसे नया पैक शुरू करेंगे फिर वैसे ही दोहराना है। ऐसे आपका चलता रहेगा शुरू से आखिरी तक। अब मैं बात करूंगा कि अब अनवांटेड 21 डे टैबलेट को कब नहीं लेना है। जैसे कि आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई बच्चा है तो नहीं लेना है इस टैबलेट को। अगर आपके बार बार रक्त आ रहा है यानी ब्लीडिंग हो रही, तब भी इस प्रयोग टैबलेट का उपयोग नहीं करना है। 6 महीने से पहले आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, 6 महीने का बच्चा नहीं हुआ तो इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। बाकी आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके इंटरनल पैकिंग को देख लेते हैं। जैसे कि आप डिब्बी को खोलेंगे तो पता चलेगा इसके अंदर एक निर्देश के लिए जो है पर्चा निकलेगा, जो आपको डायरेक्शन बताएगा कैसे टैबलेट का उपयोग करना है, कैसे नहीं करना है। ये सारी जानकारी इस पर्चे से मिल जाएगी। लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर आप देखेंगे एक स्ट्रिप निकलेगा जो ब्लिस्टर पैकिंग में, उस पर जो एरो बना हुआ है उसी एरो के निशान से ही आपको देख कर उस टैबलेट को लगातार 21 दिन तक खाना है। तो अब चलिए अब आखिरी में इसके कुछ सब्स्टिट्यूट देख लेते हैं, जो विकल्पीय मेडिसिन होती हैं जो मार्केट में उपलब्ध होती हैं उनको भी देख लेते हैं। सॉरी भाइयों, कैमरे की क्वालिटी थोड़ा रफ है, चल जाएगा ना इतना। जैसा कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे आपका इस टैबलेट का उपयोग करना है, कैसे किस तरीके से इसे लेना है और क्या नुकसान है। सारी जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।